अस्सलाम वालेकुम, माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ जन्नत और आप देख रहे हैं जन्नत ईट्स। आज मैं आपके साथ बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली, इसमें हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। एक्चुअली मेरी वीडियो बनाने वाला कोई नहीं, मैं खुद ही बना। फ्लेम ऑन कर लेंगे। अब इसमें हम लोग प्याज ऐड करेंगे। प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया था। प्याज को हम लोग लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारा ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुका है। बस इसको हम थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। देन हम इसमें बीफ ऐड करेंगे। हमारा ब्राउन हो चुका है, अब इसमें 1 kg बीफ ऐड करेंगे। आई थिंक 1 kg से ज़्यादा है। इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। गोश्त को प्याज और ऑयल में फ्राई करेंगे। गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें 2 tablespoons अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन को भी फ्राई कर लेंगे गोश्त के साथ। पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, नमक और जीरा ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस को हम भून लेंगे 5 मिनट। गोश्त को हमने मसाले डाल के अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 4 अदद टमाटर लिए मैंने, इनको छोटा छोटा चॉप कर लिया। अब इनको हम ऐड करते हैं, मिक्स करेंगे। जब तक टमाटर गल नहीं जाते हम इन्हें पकाएंगे।
माशाल्लाह कलर बहुत अच्छा आया। बस दो मिनट के लिए हम और इसे फ्राई करेंगे, देन हम इसमें पानी ऐड करेंगे। गोश्त हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। फाइनली मेरा भाई आया अब जो वीडियो बना रहे, पहले तो बिल्कुल भी सही नहीं बनी, फ्राई कर बात नहीं। अब हम इसमें ना 1 लीटर पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा गोश्त गल जाए। अब 45 से 50 मिनट्स के लिए हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। इसको हम ऊपर से कवर कर लेंगे। इसको हम कवर कर लेंगे ऊपर से। अब 45 मिनट्स के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे गोश्त को। मिलते हैं 45 मिनट्स के बाद। पानी हमारा ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है, कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तब हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। पानी हमारा कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, अब हम इसमें चीनी के साथ ग्रीन चीनी ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे और अदरक मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई हमारी रेडी है। अगर आप इसमें ग्रेवी चाहते हैं तो आप इसमें दही ऐड करेंगे। मुझे ग्रेवी चाहिए इसलिए मैं 1 कप योगर्ट ऐड करूँगी, देन इसको भून लूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसका पानी ड्राई कर लेंगे। 5 मिनट के लिए इसको हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। बीफ कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है, रेस्टोरेंट स्टाइल में आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। दो मिनट कुक करेंगे, देन हम फ्लेम ऑफ करेंगे।